जयप्रकाश विश्वविद्यालय में खेल कैलेंडर जारी होने की घोषणा से पूर्व विश्वविद्यालय कैंपस में एनएसएस और एनसीसी के बीच फैंसी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस के द्वारा एनसीसी के खिलाड़ियों को जोरदार टक्कर देते देखा गया, लेकिन एनसीसी के खिलाड़ियों ने एनएसएस को 2-1 गोल से हरा दिया। इस दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मी और छात्र मौजूद थे। वहीं कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली के द्वारा सर्वप्रथम खेल मैदान पर खिलाड़ियों के बीच परिचय प्राप्त करने के साथ खेल को उछाल खेल की शुरुआत की गई। वहीं इस दौरान अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि आगामी 21 जुलाई को विश्वविद्यालय द्वारा खेल कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के खेल, जिसमें इंडोर और आउटडोर खेल शामिल किए जाएंगे, जिसका सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के सभी विभागों के द्वारा भी आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो जाएगा। इसके निमित्त कॉलेजों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों की चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न खेलों के लिए टीम तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के द्वारा चयनित टीम अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेगी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की ओर से सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस फैंसी मैच में आप भारी संख्या में यहां उपस्थित हुए। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि बहुत वर्षों से कोई खेलकूद यहां नहीं हो पा रहा था, और इसमें जड़ता को खत्म करने के लिए हम लोगों ने मैदान को पहले तैयार किया। एक हफ्ते लगे, हमारे सभी जो क्रीड़ा परिषद के साथी हैं, एनएसएस के साथी हैं, सब लोगों ने मिलकर मैदान को तैयार किया और आज फैंसी मैच आपके सामने है। कहते हैं कि अगर हम तैयारी में ही लंबा समय लगाएंगे तो नहीं कुछ हो सकता है। अंधेरे को कोसने के बजाय चिराग जलाना बेहतर था, इसलिए हम लोगों ने न्यूनतम लागत से जो सबसे आसानी से हो सकता था तो दो टीम हम लोगों ने बनाया, एक एनएसएस और दूसरी एनसीसी, और मैच आपके सामने था और तमाम युवाओं के सामने है। हम लोग आज जो आज फैंसी मैच जो फुटबॉल का आयोजन किए, जिसमें एनसीसी वालों ने अच्छा खेल का मुजाहरा किया, जिसके चलते वो 2-1 से जीते, लेकिन एनएसएस भी कहीं कम नहीं थे। मैं दोनों टीम की तारीफ करता हूं। कहते हैं जो मैदान में उतरेगा वही तो जीतेगा, और एनएसएस वालों को हार नहीं माननी चाहिए, वो बोले कि हम जीत नहीं सके, ये हम लोगों का प्रिंसिपल होता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग स्पोर्ट्स कैलेंडर कल जारी करने वाले हैं, जिसमें जो इस मौसम में जो खेल हो सकते हैं, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, जिसमें कि बहुत सारी परेशानी नहीं हुआ, खो खो है, उसके कैलेंडर हम लोग जारी करेंगे। बाकी और खेल जो जारी के आएंगे मौसम, तो उसमें हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। ये कल जारी हो जाएगा, और उस कैलेंडर जारी, खेल कैलेंडर जारी करने के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने इस फैंसी मैच को शुरुआत की है। इसके लिए मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स विश्वामित्र जी को और एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हमारे हरिश्चंद्र जी को मैं, और साथ ही साथ हमारे जो पीटीआई साहब हैं, मैं उनको, जो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के भी वो अधिकारी हैं, उनका भी सहयोग रहता है। मैं आप इतने भीनी भीनी बूंदों में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि हमारे एनसीसी कैडेट अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहते हैं, वो सेना के जवान हैं, सब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्र थे। उन लोगों को काफी दिन हमसे बोल रहे थे, सर एक हम लोगों का खेल करवाइए विश्वविद्यालय स्तर पर। अब लगातार इस तरह का खेल, अब लगातार कल ही मैं इसका कैलेंडर जारी करूंगा, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इंडोर गेम तथा आउटडोर सभी गेम सीजनली खेल के आधार पर किया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पानी बरसा तो इंडोर गेम करवाएंगे, नहीं पानी बरसा तो बैडमिंटन और कबड्डी निश्चित अगले सप्ताह तक करवाएंगे। यह मैं विषय महोदय को आश्वस्त कर चुका हूं कि अब हर महीने कोई न कोई गेम होता रहेगा। जब से मैं स्पोर्ट, वो जो है जीत नहीं सकी है, थोड़ा प्रयास थोड़ा कम हो सका, जितना चाहिए उतना नहीं हो सका। क्या कहेंगे खिलाड़ियों को? खिलाड़ी सब हमारे बड़े मनयोग से खेले हैं और अपना प्रयास किए हैं, आगे उनको यही है कि वे इस खेल से थोड़ा सीख लेते हुए वे जीत सकते हैं। इन्होंने ये दिखला दिया है कि मेरे अंदर भी जज्बा है, और मैं सिविलियन होकर के भी मलेट्टी से एक जीत सकता हूं। उन्होंने एनएसएस वाले ने प्रतिमान स्थापित कर दिया है, और जो ये हार मिली, हार ये कहेंगे कि हार हम लोगों को नहीं मिली, थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई, लेकिन भविष्य में अगर एनएसएस की टीम आगे उतरती है तो जिस तरह हमारे प्लेयर ने खेला है, मुझे विश्वास है कि यही वास्तव में विश्वविद्यालय की टीम है।
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।